भाजपा कार्यकर्ताओं की पूर्णिया में विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिक्षा में सुधार को लेकर गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों का हस्ताक्षर लेने पर चर्चा हुई और कहा गया कि 2 फरवरी को पूरे राज्य से हस्ताक्षर पेपर को राज्यपाल को सौंपा जाएगा। इसीलिए कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर लोगों से शिक्षा में सुधार को लेकर हस्ताक्षर करवाएंगे और जब लोग हस्ताक्षर करेंगे तो उससे पता चलेगा कि लोग शिक्षा में सुधार चाहते हैं। शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार को लेकर है और उसी कड़ी में हम लोगों का कार्यक्रम अब गांव तक पहुंचना है और गांव के लोगों से संपर्क करके हस्ताक्षर करवाना है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षा में सुधार होना चाहिए तो आप हस्ताक्षर कीजिए, अपना मन समर्थन दीजिए हस्ताक्षर के माध्यम से, ताकि सारे हस्ताक्षर को इकट्ठा करके हम लोग राज्यपाल 2 फरवरी को आक्रोश मार्च के माध्यम से हम राज्यपाल को पूरे बिहार का हस्ताक्षर करवा करके सौंपेंगे। उस कड़ी में आपके पूर्णिया जिला भी है और यहाँ से लक्ष्य रखा गया कम से कम 5 लाख लोगों से हस्ताक्षर करा करके पूर्णिया जिला के लोगों से मने पटना भेजा जाए। लगातार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत स्तर तक के लोग लगातार संपर्क में हैं, जनसंपर्क में हैं। हम लोगों का जो हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम चल रही है उसमें 5 लाख हस्ताक्षर शिक्षा सुधार को लेकर के, शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार जो गांव-गांव हम लोग घूम करके लोगों के बीच जाके कह रहे हैं और हस्ताक्षर जो चलवा रहे हैं, हस्ताक्षर 5 लाख हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूर्णिया से प्रदेश कार्यालय को सौंपा जाएगा और प्रदेश में जो विधानसभा का घेराव है आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग आक्रोश दिखाने का काम करेंगे और राज्यपाल को उस दिन हम लोग पूरे बिहार के साथी मिल करके राज्यपाल को 1 या 2 करोड़ जो भी हस्ताक्षर जमा होगा उनका पुलिंदा वहाँ उनके राज्यपाल को सौंपा जाएगा।